बेटे आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्लॉक। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्लॉक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन इस टॉपिक में ये मत समझना कि इसमें हमें सिर्फ क्लॉक में टाइम देखना समझना है कि टाइम कैसे देखेंगे। टाइम देखना आप सबको आता है। यहाँ पर हम क्लॉक के अंदर टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं। टाइम देखना बेटा आप सबको आता है, तो क्लॉक जो है उसको शुरू करते हैं। आपने क्लॉक देखा होगा, ये क्लॉक जो है 12 आवर्स का क्लॉक लिया गया है हमारा। इसमें ये मिनट हैंड है और दैट इज आवर हैंड। ये आपको पता है मिनट हैंड कौन सी होती है? जो बड़ी वाली होती है। और छोटी वाली जो होती है वो क्या होती है? आवर हैंड। तो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से बेटा समझना है इस चीज को कि जो मिनट हैंड है, मान लो मिनट हैंड 12 पे है इस समय। जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। मैं इसको एक मिनट एडजस्ट करता हूं, देखो एक मिनट ध्यान से। मिनट हैंड जो है मान लो वो 12 पे है इस समय, और मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स के अंदर बेटा क्या करेगी? 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड होगी वो पूरा का पूरा राउंड ले लेगी। जो मिनट हैंड है 60 मिनट्स के अंदर, अगर वो 12 पे है तो 60 मिनट्स में पूरा सर्कल काट जाएगी। यानी कि 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितने का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। ये आपको पता है पूरा सर्कल जो होता है वो 360 का होता है। तो पहले मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स के अंदर यानी कि 1 आवर के अंदर पूरा राउंड काट लेती है। तो इसका मतलब है वो कितने का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का 60 मिनट्स के अंदर। अब आप एक चीज देखो, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, अगर 60 मिनट्स में 360 का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट में बेटा कितना आएगा? 6 डिग्री। तो यही चीज हमने यहां लिखी है, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। नेचुरल है 60 मिनट्स में अगर 360 एंगल है तो 1 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री। तो ये हमने अभी सिर्फ मिनट हैंड की बात की है कि मिनट हैंड क्या रिएक्ट करती है। मेरे ख्याल से बेटा आपको मिनट हैंड बहुत क्लियर हो गया होगा कि मिनट हैंड कैसे रिएक्ट करती है। अब हम आवर हैंड की बात करें। जो आवर हैंड है इसको अगर लेके चले हम इस चीज को, देखो एक मिनट, ये तो मैंने इसकी बात की आपको। जो आवर हैंड है वो अगर मान लो 12 पर है तो 60 मिनट्स में आप देखो, 60 मिनट्स में अगर वो 12 पर है आवर हैंड, तो 60 मिनट्स में वो यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचेगी। 60 मिनट्स में वो सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 12 से 1 तक, या कह सकते हो 1 से 2 तक, ऐसे करके सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने। तो अब हम ये देखते हैं कि आवर हैंड कितने का एंगल बनाती है। बहुत ध्यान समझना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 12 पार्ट्स ले लूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने पूरी वॉच को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ऐसे करते करते 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक पार्ट का एंगल कितना आएगा? पूरा एंगल जो होता है बेटे वो 360 डिग्री होगा। और अगर मैं इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मतलब एक पार्ट 30 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब यह हुआ, एक मिनट देखो आप इसे, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। तो ये 30-30 डिग्री के 12 एंगल्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो आवर हैंड है वो 60 मिनट्स के अंदर सिर्फ 30 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि आवर हैंड जो है 60 मिनट्स के अंदर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही ट्रेवल करेगी, या यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी। तो अब आप देखो एक मिनट, आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 60 मिनट्स। जो आवर हैंड है वो कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है 60 मिनट्स के अंदर। तो 1 मिनट में एंगल कितना होगा बेटे? इतना। कैसे निकाला? 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना होगा? हाफ डिग्री। तो हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यह है कि 60 मिनट्स के अंदर जो है इसने जो एंगल बनाया वो 360 बनाया, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया। आवर हैंड ने 60 मिनट्स में 30 डिग्री बनाया, यानी कि 1 मिनट में इतना बनाया। आप एक चीज देखो कि 1 मिनट में ये एंगल बनाता है 6 डिग्री, और आवर हैंड बनाती है 1 मिनट में हाफ डिग्री।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मिनट हैंड जो है, जो मिनट हैंड है वो 5.5 डिग्री एंगल ज्यादा बना रही है 1 मिनट के अंदर। यानी कि अगर इसका एंगल 6 डिग्री है और इसका 0.5 डिग्री है तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5.5 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड पर मिनट इज 5.5 डिग्री। एक मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है उसने इतना एंगल बनाया, आवर हैंड ने एक मिनट में इतना एंगल बनाया, तो इसका मतलब है जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री ज्यादा एंगल बनाती है या उसको कितने डिग्री का ज्यादा फायदा होता है वो कितना आएगा, 5.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे इसका पूरे का जो निचोड़ निकला है वो ये निकला है कि एक मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 5.5 डिग्री एंगल ज्यादा बनाती है। आपको ये तो याद रखना ही है कि एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है जो मिनट हैंड है, आवर हैंड एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहां पर दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5.5 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा एक काम करो, पहले आप सबसे पहले इस चीज को नोट डाउन कर लो, तब हम आगे बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट और करना है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से आपने इसको उतार लिया होगा इस चीज को। अब एक काम करते हैं, इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आप एक मिनट देखो इसको। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होने हैं। डिग्री के बेसिस पे हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस करेंगे मिनट के बेसिस पे। आप एक चीज देखो कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड अगर यहां पर सेट है मिनट हैंड, तो 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड है वो पूरा राउंड ले लेगी। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स के अंदर पूरा राउंड ले लेगी, ये दैट इज मिनट हैंड। और मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर 60 मिनट्स ही ट्रेवल कर रही है। हम हर चीज मिनट में लेके चलेंगे। जो मिनट हैंड है उसने पूरा का पूरा राउंड ले लिया 360 डिग्री का, लेकिन हम डिग्री में नहीं जा रहे, हम किस में जा रहे हैं, मिनट्स में। तो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स के अंदर 60 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। आप डिस्टेंस को मिनट्स में ही कवर करके चलो। अब ऐसे ही अगर आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड जो है वो 60 मिनट्स में यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करती है। जो आवर हैंड है वो यहां से लेकर यहां तक कवर करती है 60 मिनट्स में। लेकिन अगर आप इस वॉच में इसको मिनट के हिसाब से देखो तो ये सिर्फ 5 मिनट डिस्टेंस है। यानी कि जो आवर हैंड है वो सिर्फ 5 मिनट्स को कवर कर रही है। आपने दोनों वैल्यूज को मिनट में लेके चलना है कि 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड है उसने पूरा का पूरा 60 मिनट्स कवर किया, उसी ड्यूरेशन में 60 मिनट्स के अंदर जो आवर हैंड है उसने सिर्फ यहां से यहां तक ट्रेवल किया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ 5 मिनट्स का। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के अंदर 60 मिनट में जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 60 - 5 यानी कि 55 मिनट्स। इस 55 मिनट्स का मतलब है कि 1 आवर के अंदर, यानी कि 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 55 मिनट्स आगे निकल जाएगी, या कह सकते हो मिनट हैंड को 55 मिनट्स का गेन हो जाता है आवर हैंड के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि 60 मिनट्स के अंदर दोनों में डिफरेंस कितना आता है। 60 मिनट्स में मिनट हैंड ट्रेवल करती है 60 मिनट्स और आवर हैंड ट्रेवल करती है सिर्फ 5 मिनट्स, तो इनमें गैप कितना आता है, 55 मिनट्स। अब हम इसको कवर करते हैं जो मैंने यहां लिखा है, एक मिनट देखो आप। मिनट हैंड मेक्स 1 राउंड इन 60 मिनट्स। मिनट हैंड जो है एक राउंड कितनी देर में ले रही है, 60 मिनट्स में, जबकि आवर हैंड रोटेट्स 5 मिनट्स स्पेस ओनली इन 60 मिनट्स। मैंने आपको बताया कि 5 मिनट स्पेस ही कवर किया उसने 60 मिनट्स के अंदर। इसका मतलब है डिफरेंस इन 60 मिनट्स जो आ रहा है इन दोनों में वो कितना आ रहा है, 55 मिनट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पता लगाना, या आपको पता होना कि 55 मिनट का गेन लेती है मिनट हैंड ओवर आवर हैंड, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पे करेंगे। आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन याद होनी चाहिए कि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से 55 मिनट ज्यादा गेन ले लेती है 60 मिनट्स के अंदर। इसी बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आप एक बार इसे भी नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके,
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को, एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 6 to 7। मीट का मतलब है हमें बताना है 6 और 7 के बीच में दोनों के दोनों हैंड्स, मिनट हैंड और आवर हैंड कब मीट करेंगी। मीट का मतलब है आवर हैंड और जो मिनट हैंड है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी या कोइंसाइड कर जाएंगी। मीट का मतलब है कोइंसाइड करेंगी, हमें वो बताना है। तो ये कोइंसाइड कब करेंगी, उसके लिए तरीका ये है कि हम एक काम करें, हम पहले एक वॉच बनाते हैं छोटा सा, देखो ध्यान से। आप 6 o'clock का टाइम सेट कर लो, 6 o'clock पे जो मिनट हैंड है वो यहां होगी और आवर हैंड यहां होगी। 6 और 7 के बीच में है तो आप 6 से शुरू करो। 6 बजे जो होगा, 6 o'clock जो टाइम होगा, 6 बजे क्या होगा, मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड 6 पे होगी। यानी कि इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितने मिनट का होगा, 30 मिनट्स। इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट्स का। यानी कि ये कोइंसाइड तब करेंगी जब मिनट हैंड जो होगी वो आवर हैंड पे 30 मिनट का गेन लेगी। 30 मिनट जब इस पे गेन लेगी तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। 30 मिनट गेन वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि 30 मिनट अगर मैं लेता हूं तो 30 मिनट का मतलब है 30 मिनट के बाद ये 6 पे होगी, तो नेचुरल ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो वो कोइंसाइड नहीं करेंगी। कोइंसाइड तब करेगी जब इसका इसके ऊपर गेन जो होगा वो 30 मिनट का गेन होगा, और नेचुरल गेन के लिए टाइम जो होगा 30 मिनट से कुछ ज्यादा ही लगेगा, 30 मिनट ही लगेगा। तो ध्यान रखना 30 मिनट का मतलब ये नहीं है कि 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में ये दोनों ने क्या करना है, कोइंसाइड नहीं करेंगी 30 मिनट के बाद, क्योंकि ये 6 पर आएगी और ये 6 से आगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है कि कोइंसाइड करने के लिए ये दोनों जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड सिर्फ और सिर्फ तब करेंगी जब मिनट हैंड 30 मिनट का गेन लेगी। गेन वर्ड वो यूज कर रहा हूं मैं, गेन लेगी आवर हैंड पे, तो मुझे गेन कर देखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर कोइंसाइड, फॉर कोइंसाइड मिनट हैंड मस्ट गेन। ऑफ 30 मिनट्स ओवर आवर हैंड, यानी कि जो मिनट हैंड है उसको आवर हैंड पे 30 मिनट का बेटा गेन लेना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको गेन का रेशियो बताया था, उसी का यूज करूंगा मैं, ध्यान देखना। फॉर 55 मिनट्स गेन, बाय मिनट हैंड जो टाइम लगेगा वो लगेगा 60 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट्स के अंदर 55 मिनट का गेन लेती है मिनट हैंड, यानी कि 55 मिनट गेन बाय मिनट हैंड, टाइम कितना लगेगा 60 मिनट्स। फॉर 1 मिनट गेन बाय मिनट हैंड तो टाइम कितना लगेगा, 60 बाय 55। और हमें गेन चाहिए 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स गेन बाय मिनट हैंड, ये कितने टाइम पर होगा, इनटू 30। बेटे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 360 बाय 11 मिनट, इतना गेन आ रहा है इसके अंदर गेन। यानी कि 30 मिनट का गेन लगने के लेने के लिए आपको इतने मिनट का टाइम लगना है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, हम एक काम करते हैं 360 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये आ रहा है 32, 8 बाय 11। और अब एक काम और करते हैं, इसको 32 मिनट्स हो गया और इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 8 बाय 11 इंटू 60, और ये आ जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 32 मिनट्स और 480
बाय 11 मिनट्स। तो इसे अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये बनता है बेटा 32 मिनट्स, और ये कितना आ जाएगा 43 सेकंड्स। इसका मतलब है 30 मिनट का गेन लेने के लिए आपको 32 मिनट्स और 43 सेकंड्स लगेंगे, यानी कि ये दोनों कोइंसाइड अगर करना है आपको तो उसमें इतना टाइम लगेगा। और इतना टाइम लगने का मतलब है इस समय प्रेजेंटली 6 बजे हैं, 6 o'clock हुआ है, तो उस समय टाइम कितना होगा, यानी कि बोथ द हैंड्स कोइंसाइड एट 6 hours 32 minutes and 43 seconds, यानी कि ये टाइम लगेगा जब ये कोइंसाइड करेंगी। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी मैनर में करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि 55 मिनट गेन जो है मिनट हैंड का वो 60 मिनट्स में होता है। तो एक मिनट में कितना होता है और 30 मिनट्स में कितना होता है उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। करना शुरू कर दो बेटा इसको। मेरे ख्याल से बेटे आपने कर लिया होगा इसको। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। हमें बताना है कि 2 और 3 के बीच में जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो कब कोइंसाइड करेंगी। एक बार फिर से समझते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखें कि 2 o'clock पे जैसे 12 है, सेवन एट नाइन टेन और 11, और यहां पर 2 o'clock पे जो मिनट हैंड होगी बेटे वो 12 पे होगी और आवर हैंड जो होगी वो 2 पे होगी। 2 o'clock के जब टाइम बजा हुआ है 2 o'clock पर ये 12 पे होगी और ये 2 पे होगी। तो आप एक चीज देखो इनमें डिफरेंस कितने मिनट्स का है, दैट इज 10 मिनट्स। यानी कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने मिनट्स का आ रहा है, 10 मिनट्स का। यानी कि ये दोनों कोइंसाइड तब करेंगी जब मिनट हैंड 10 मिनट्स का गेन लेगी। 10 मिनट नहीं, 10 मिनट्स गेन। जब 10 मिनट गेन लेगी इसके ऊपर तब ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो यानी कि फॉर कोइंसाइड मिनट हैंड मस्ट गेन 10 मिनट्स ओवर आवर हैंड। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कोइंसाइड ये दोनों तभी करेंगी जब मिनट हैंड जो है वो कितने का गेन लेगी, 10 मिनट्स का। 10 मिनट का डिफरेंस ही 10 मिनट गेन, तो 10 मिनट्स गेन होना चाहिए। और गेन का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर 55 मिनट्स गेन जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 60 मिनट्स। फॉर 55 मिनट गेन टाइम विल बी टाइम शुड बी 60 मिनट्स। फॉर 1 मिनट गेन जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, और फॉर 10 मिनट्स गेन इनटू 10 120 अपॉन 11 मिनट्स लगेंगे इनको 10 मिनट्स गेन लेने के लिए। यानी कि मिनट हैंड अगर इस पे 10 मिनट का गेन लेती है तो इतने टाइम बाद वो गेन कंप्लीट होगा। तो ये टाइम कितना होगा, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 120 डिवाइड बाय 11 यानी कि ये आ रहा है 10 बाय 11। और इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 10 मिनट्स और 10 बाय 11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये लगभग आ जाएगा बेटा 10 मिनट्स और 600 बाय 11 का मतलब हो गया 55 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली।
यानी कि 10 मिनट गेन के लिए इसको टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। तो इसका मतलब टाइम कितना हुआ होगा जब ये कोइंसाइड करेंगी, दैट मींस बोथ द हैंड्स कोइंसाइड एट 2 hours 10 minutes and 55 seconds। इस टाइम पर ये कोइंसाइड करेंगे दोनों वॉच, दोनों जो हैंड्स हैं वो इस टाइम पर कोइंसाइड करेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब दो जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड के लिए आप दोनों जो हैंड्स हैं उनमें देखो डिफरेंस कितने का है, कितने मिनट्स का है, और फिर आप गेन देख लो उसमें गेन कितने का आ रहा है, यानी कि मिनट हैंड को कितना गेन लेना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 10 मिनट का गेन लेना चाहिए, तो 10 मिनट का गेन देखा हमने और उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइम निकाला कि 10 मिनट गेन के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम हमने 2 o'clock में ऐड कर दिया। कर लो बेटा ऐसा, मेरे ख्याल से बेटा आपने इसे कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एट वट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। एट वट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी राइट एंगल। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ये देखें कि दो जो हैंड्स होती हैं वो राइट एंगल पे कब कट करेंगी। बहुत ध्यान से मैं कुछ एग्जाम्पल्स बना रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। देखो राइट एंगल का मतलब है कि एक हैंड यहां हो और एक हैंड यहां हो, तो आपको पता है राइट एंगल बन गया। ये राइट एंगल बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि 12 3 3 6 6 9 9 12, तो वो ठीक है आपकी बात कि दो जो हैंड्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल तब बनता है जब उनमें 15 मिनट का गैप होता है। ध्यान रखना 15 मिनट, यहां से यहां तक 15 मिनट्स हैं, यानी कि जब भी दो हैंड्स के बीच में 15 मिनट्स का गैप होगा वो राइट एंगल पे चली जाएंगी, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। एक मिनट ध्यान से देखना, अगर मान लो ये यहां है और ये चीज यहां है तो भी ये 90 डिग्री का गैप है, 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि 15 मिनट्स का गैप है। तो आप ध्यान रखना, एक चीज नोट डाउन कर लो कि अगर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 15 मिनट्स का एग्जैक्ट गैप है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री एंगल सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो, गैप कितना होना चाहिए, 15 मिनट्स का एग्जैक्ट गैप होना चाहिए। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज नोट करनी चाहिए कि 90 डिग्री कब होगा, जब उनमें गैप कितने का होगा, 15 मिनट्स का। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था लेकिन क्वेश्चन इसके बिना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे कर दिया। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन शुरू करता हूं इसके बाद। आई थिंक हो गया होगा, चलो इसको शुरू करें। अब यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा है 4 and 5, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो 4 and 5 का मतलब यह है कि वॉच जो है फोर ओ क्लॉक का टाइम देख ले पहले, 4 o'clock क्या होगा। 4 o'clock जो है उस समय ये दोनों के दोनों जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड यहां होगी, आवर हैंड यहां होगी, इनमें गैप कितने का है, 20 मिनट्स का। इनमें गैप कितना आ रहा है, 20 मिनट्स। लेकिन अगर आप इन्हें राइट एंगल पे चाहते हो तो इनमें गैप कितना होना चाहिए, 15 मिनट्स का। फॉर राइट एंगल गैप बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड शुड बी 15 मिनट्स। तो यहां पर इनके बीच में गैप होना चाहिए 15 मिनट्स और गैप इस समय है कितना, 20 मिनट्स का। इसका मतलब है फॉर राइट एंगल के लिए इसको गेन करना पड़ेगा, कितना गेन करना पड़ेगा, अभी 20 मिनट का डिफरेंस है
तो इसे गेन करना पड़ेगा 5 मिनट्स का। जैसे ही ये 5 मिनट गेन कर जाएगी मिनट हैंड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 मिनट्स का, और ये राइट एंगल पे आ जाएंगे। तो यहां पर ना पहले दो केस बना रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। पहला केस, केस वन, व्हेन मिनट हैंड 15 मिनट्स बिहाइंड बिहाइंड द आवर हैंड। ये पहला केस है। मैं ये ले रहा हूं कि 90 डिग्री एंगल तब बनेगा जब मिनट हैंड जो होगी वो आवर हैंड से 15 मिनट पीछे होगी। तो इसका 15 मिनट पीछे होने का मतलब है इसको कितना गेन लेना पड़ेगा, 5 मिनट्स का गेन लेना पड़ेगा, तब इनके बीच में 15 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। तो दैट मींस मिनट हैंड मस्ट गेन 5 मिनट्स ओवर आवर हैंड। मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर ये 15 मिनट्स इसे पीछे रहना ही चाहिए तो इसको कितना गेन लेना होगा, 5 मिनट। डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ेगा, 5 मिनट का गेन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 5 मिनट गेन का मतलब है जब ये आगे आएगी तो ये भी नेचुरल थोड़ी सी आगे आएगी। तो हमें वर्ड क्या यूज करना है, गेन। तो 5 मिनट गेन चाहिए इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप लाने के लिए। और अच्छी तरह बताएं हमें 15 मिनट गेन के लिए 55 मिनट गेन टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट्स फॉर 1 मिनट गेन, ये पहले भी कर लिया हमने, और हमें चाहिए सिर्फ 5 मिनट का गेन, तो टाइम कितना लगेगा इतना। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते, 60/11, और मैं 60 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि 5 और 5/11, और इसको एक मिनट इसको ठीक कर देता हूं मैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे क्लियर नहीं था वो, चलो मैं इसको ठीक कर देता हूं। 5/11 यानी कि 5 मिनट्स और सेकंड्स कितने आएंगे, 5/11 इंटू 60 सेकंड्स, यानी कि 300/11 आ जाएगा। और इसे कितना लिख पाएंगे, 5 मिनट्स और ये कितने सेकंड्स आएंगे, 27 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली। आगे नहीं जाना, आपको यहां तक जाना है। यानी कि इसको अगर 5 मिनट का गेन चाहिए तो 5 मिनट गेन के लिए इसको इतना टाइम लगने वाला है। इसका मतलब है उस समय टाइम कितना होगा, दैट मींस बोथ हैंड्स एट राइट एंगल एट 4 hours 5 minutes and 27 seconds, यानी कि दोनों के बीच में बोथ हैंड्स राइट एंगल पे कब होंगी, 4:05 और 27 seconds पर, क्योंकि 5 मिनट का गेन कवर करने के लिए, यानी कि इसको 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसका गैप खत्म करने के लिए इतने मिनट लगने, इतना टाइम लगने वाला है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 hours 5 minutes and 27 seconds। अब बेटे से करो इसका सेकंड केस बनाते हैं इसके बाद, लेकिन पहले फर्स्ट केस कवर कर लो आप। मेरे ख्याल से बेटा आपने उतार लिया होगा इसको। अब एक काम करते हैं, इसको आगे लेके चलें जरा इस चीज को। इसका केस टू ले रहा हूं मैं, एक मिनट ध्यान से देखना, मैं दोबारा वॉच बना रहा हूं। जो 4 o'clock था, 4 o'clock पे हमें यह अच्छी तरह पता था कि ये ऐसे बनेगा।
पहला केस हमने लिया कि ये 15 मिनट्स बिहाइंड है, लेकिन मान लो ये ट्रेवल करते करते इसको क्रॉस कर जाए और ये जो मिनट हैंड है वो इससे 15 मिनट्स आगे चली जाए, तो भी एंगल 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा जब ये इससे कितना आगे निकल जाएगी, 15 मिनट्स। तो मैं सेकंड केस ले रहा हूं, व्हेन मिनट हैंड 15 मिनट्स अहेड ऑफ आवर हैंड, यानी कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 15 मिनट्स आगे है। तो आप एक चीज देखो, अभी जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से कितना पीछे है, 20 मिनट्स, और जब ये आगे निकलेगी से 15 मिनट्स आगे निकलेगी, तो यानी कि इसको गेन कितना होना चाहिए, 35 मिनट्स का। 20 मिनट्स ये कवर करने हैं, 15 मिनट्स आगे जाने हैं, तो गेन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 35 मिनट्स का गेन होगा, तब मिनट हैंड आवर हैंड से 15 मिनट्स आगे चली जाएगी। याद रखना 35 मिनट्स कवर नहीं करना, 35 मिनट का गेन होना चाहिए। जब ये 35 मिनट्स गेन होगा तो इसका मतलब है इसके आगे वो 15 मिनट्स चली जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट मींस मिनट हैंड मस्ट गेन 35 मिनट्स ओवर आवर हैंड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको कितना गेन होना चाहिए, 35 मिनट्स का, 20 मिनट ये और 15 मिनट्स आगे आने के लिए, और ये 35 मिनट नहीं है, 35 मिनट्स गेन है। गेन ही आपको ये दिखाएगा कि हाँ 15 मिनट का डिफरेंस आया है। और अगर हमें, और ये हमें बताएं, फॉर 55 मिनट गेन, अगर आपको 55 मिनट का गेन लेना है मिनट हैंड से, टाइम कितना लगेगा बेटा इसमें, 60 मिनट्स, और 1 मिनट गेन के लिए टाइम कितना आएगा, 60/55, और 35 मिनट्स गेन के लिए 15 मिनट्स का गेन आएगा। अब आप बेटा एक काम करो, इसको जरा डिवाइड करके जरा टाइम आप खुद निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। आप करना शुरू कर दो इसे। मेरे ख्याल से कैलकुलेट किया होगा आपने, और बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया बेटा कुछ बच्चों ने, 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स, यानी कि दैट मीन्स हैंड्स एट राइट एंगल एट 4 hours 38 minutes and 11 seconds, इस टाइम पर कोइंसाइड, सॉरी इस टाइम पर राइट एंगल पे होंगी। तो इसका मतलब है इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक ही आंसर था, एक हमने पहले केस में निकाला। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, बिहाइंड का और अहेड का, तब जाके बात बनेगी। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा, आप इसे करना शुरू करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, लेकिन पहले आप इसे बेटा उतार लो, बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से हो गया होगा बेटे, अगला क्वेश्चन करें अब देखें। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करो जरा क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसे क्लियर करता हूं। इसमें लिखा है अ क्लॉक गेन 4 seconds in 3 minutes। इसका मतलब क्या है, क्लॉक गेन 4 seconds in 3 minutes, इसका मतलब है 3 मिनट के बाद ये क्लॉक ऑटोमेटिकली 4 seconds आगे हो जाती है, यानी कि 3 मिनट के बाद ये क्लॉक अपने आप ही 3 मिनट्स के बाद 4 seconds आगे हो जाती है। इसका मतलब है ये वॉच जो है फास्ट है। आपने देखा होगा हमारे घर में कुछ घड़ियां होती हैं, वो क्या होती है, हम उसको आज हम 12 बजे सेट करते हैं, अगले दिन देखते हैं तो उसका टाइम 2 मिनट आगे हो चुका होता है, 3 मिनट आगे हो चुका होता है, या कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं कि उनका टाइम पीछे हो चुका होता है, 2 मिनट 3 मिनट पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब वॉचेस वो करेक्ट नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है।
तो यहां भी इस वॉच में दिक्कत है। इस क्लॉक में क्या हो रहा है कि 4 सेकंड्स इन 3 मिनट्स का मतलब है जैसे ही 3 मिनट होते हैं वो 4 सेकंड ऑटोमेटिकली आगे चली जाती है, यानी कि जब 6 मिनट होंगे तो 8 सेकंड आगे चली जाएगी, 9 मिनट्स होंगे तो 12 सेकंड्स आगे चली जाएगी। इसका मतलब है हर 3 मिनट बाद उसमें 4 सेकंड्स का एरर आता है, और एरर कौन सा है, फॉरवर्ड का, वो गेन कर रही है, लॉस नहीं कर रही है, वो गेन कर रही है, मतलब आगे चली जाती है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस वॉच को क्लॉक को हमने सेट किया, इस क्लॉक को हमने सेट कब किया, 9 AM पे, 9 AM पे आपने इस क्लॉक का टाइम सेट कर दिया। तो वो कह रहा है कि व्हाट टाइम विल इट शो एट 11 PM, यानी कि 11 PM पे वो कितना टाइम दिखाएगी सेम डे पे। आपको ये तो पता है कि वॉच ठीक नहीं थी, तो यानी कि 11 PM पे वो 11 नहीं दिखाएगी, 11 से थोड़ा ज्यादा दिखाएगी, 11 नहीं दिखाएगी, 11 से थोड़ा ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि वो फास्ट चल रही है, गेन हो रहा है उसको। तो हमें वही टाइम बताना है कि 11 बजे जब बज जाएंगे, 11 PM होगा, तो उस क्लॉक में क्या शो हो रहा होगा, वो चीज हमें बतानी है। अब एक चीज बेटे ध्यान से देखो, 3 मिनट का गेन जो है, 3 मिनट्स, एक मिनट ध्यान से देखना, इन 3 मिनट्स जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 सेकंड्स का। 1 मिनट में गेन कितना होगा और 60 मिनट्स में गेन कितना होगा, 80 सेकंड्स। अब दिक्कत यह है कि हमने 80 सेकंड, ये 60 मिनट क्यों लिया, एक्चुअली 9 AM से लेकर 11 PM तक एग्जैक्टली आवर्स हैं, तो मैं ये चाहता था कि मैं देखूं 1 आवर के अंदर इसमें कितना चेंज आता है। तो मैंने ये पता लगा लिया कि 60 मिनट्स में 80 सेकंड्स का गेन होगा, यानी कि इसका मतलब है दैट मींस इन 1 आवर जो गेन है, गेन इज 80 सेकंड्स, यानी कि 1 आवर में गेन जो है वो कितना है, 80 सेकंड्स का मतलब है, यानी कि ये जो क्लॉक है हर आवर के बाद 1 घंटा बीतते ही ये 1 आवर 80 सेकंड्स तक आगे चली जाएगी, मतलब 80 सेकंड्स का इसमें क्या होगा बेटा, गेन होगा। तो इन 1 आवर गेन कितना आ रहा है, 80 सेकंड्स। अब आप ऐसे देखो कि 9 AM से लेकर 11 PM तक, मुझे ये बताओ बेटा आपकी 9 AM से लेकर 11 PM तक कितने आवर्स होंगे, 9 AM से 11 PM तक टोटल 14 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि गेन कितना होगा, गेन इन 14 आवर्स, ये होगा 14 × 80, यानी कि इतने सेकंड्स का गेन होगा, यानी कि गेन कितना होगा, 1120 सेकंड्स का गेन। अब आप एक काम करो, इस जो गेन है आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो तो ये कितना आना चाहिए आपका, आप कैलकुलेट करो बेटा इसे कितना आ रहा है। अगर इसे आप कैलकुलेट करो कि इसके अंदर अगर ये सेकंड्स हैं और अगर मैं इसे मिनट्स में चेंज करना चाहूं तो गेन कितना होगा मिनट्स के अंदर, आप मुझे कैलकुलेट करके बेटा फटाफट बताओ कितना आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों ने ठीक निकाला है, बेटा आप फिर भी कैलकुलेट कर लो, कुछ बच्चे और भी जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ठीक है बेटे, 18 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स, 18 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स, यानी कि जो टाइम होगा क्लॉक में वो कितना शो हो रहा होगा, 11 आवर्स 18 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स, ये टाइम शो हो रहा होगा इसमें। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपको हो गई होगी और ये समझ भी आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से हुआ है। अब बेटे उतार लो इसे, बेटा ये क्वेश्चन आपने उतारा होगा। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बिल्कुल सेम, बट इसमें गेन की जगह लॉस है, अ क्लॉक लूसेस 5 सेकंड्स इन 4 मिनट्स,
यानी कि 4 मिनट के बाद इसमें जो क्लॉक है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड्स का लॉस हो जाता है, मतलब पीछे चली जाती है। हर 4 मिनट के बाद उसमें लॉस कितने का हो रहा है, 5 सेकंड्स का। उसमें गेन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये लिखा हुआ है एंड वॉज सेट राइट एट 7 AM, हमने 7 AM पे इसे सेट किया। वट टाइम विल इट शो एट 1 PM, 1 PM पे वो कितना टाइम शो करेगी ये बताना है। बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे, एक मिनट देखो आप, इन 4 मिनट्स जो लॉस हो रहा है, इन 4 मिनट जो लॉस है वो कितने का है, 5 सेकंड्स का। इन 1 मिनट, 1 मिनट में लॉस कितने का होगा, और इन 60 मिनट्स, 1 आवर को निकालने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं बेटा, इनटू 60, यानी कि 75 सेकंड्स, यानी कि 75 सेकंड्स का लॉस होता है 60 मिनट्स के अंदर, यानी कि इन 1 आवर जो लॉस है वो कितना है, 75 सेकंड्स। और आप मुझे एक चीज बताओ, 7 AM से लेकर 1 PM तक कितने आवर्स होते हैं, 7 AM से लेकर 1 PM तक कितने आवर्स होते हैं, आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ फटाफट। बिल्कुल ठीक बेटे, 6 आवर्स होते हैं। कितना होता है, 6 आवर्स। अच्छा, 7 AM से 1 PM तक 6 आवर्स होते हैं, इसका मतलब है लॉस कितना होगा, लॉस इन 6 आवर्स 75 × 6, 450 सेकंड्स का लॉस होगा। और अगर आप 450 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हो तो 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स आता है। और इस बार ये क्लॉक लॉस कर रही है, मतलब पीछे हो रही है, तो यानी कि 1 बजे क्या टाइम होगा, 1 PM पे जो क्लॉक शो करेगी टाइम एट 1 PM वो कितना शो करेगी, 1 में से आप इसे लेस कर लो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं लेस करने की, 1 PM पर आप इसे लिख सकते हो 12, ध्यान देखना, 12 hours 59 minutes and 60 seconds। क्या हम 1 PM को ऐसे लिख सकते हैं, 12 hours 59 minutes and 60 seconds। इसमें से इसको लेस करना बेटे बहुत आसान हो जाता है, कई बार बच्चों को दिक्कत आती है टाइम लेस करने में। अब इसे लेस करूंगा तो कितना आएगा, 30, तो यानी कि टाइम जो होगा 1 PM पे वो इतना शो कर रही होगी, यानी कि जो क्लॉक है वो 1 बजे का जब, तो वो टाइम 1 o'clock नहीं शो कर रही होगी, वो ये टाइम शो कर रही होगी। तो ये इसका आंसर होगा हमारा। तो ये आपने इस तरह से करना है, सेम क्वेश्चन था, वहां पर गेन था, यहां पर क्या था बेटा, लॉस आ रहा था, तो गेन था तो हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, लॉस था तो हमने लेस कर दिया, क्योंकि लॉस का मतलब है कि 1 PM पे जो टाइम होगा वो इससे कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लेस कर दिया इसे। आप करना शुरू कर दो इसे। ठीक है, अब एक और नया क्वेश्चन करते हैं। देखो एक मिनट ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप पहले इसको एक बार रीड करो। अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, क्या मतलब है इसका, कि जो क्लॉक है वो हर आवर में 5 मिनट लूज करती है, यानी कि हर आवर में वो 5 मिनट्स पीछे हो जाती है, यानी कि स्लो चल रही है, सही नहीं चल रही, गलत चल रही है तो खराब, लेकिन टाइम क्या दिखाती है, कम। तो एवरी आवर में वो 5 मिनट लूज कर जाती है। एंड वह हमने इसको सेट कहाँ किया, 10 AM पे ऑन संडे, संडे को हमने इसको 10 AM पे सेट किया है। When will it show that correct time again? और हमें बताना है ये करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। आपको पता है कोई भी वॉच जो होती है वो करेक्ट टाइम कब दिखाती है, दोबारा, आज मान लो 1 बजा हुआ है इस समय, एक क्लॉक है जिसमें 1 बजा हुआ है, वो दोबारा 1 कब दिखाएगी, आफ्टर 12 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स के बाद वो टाइम क्या दिखाएगी, करेक्ट। हर घड़ी जो होती है, कोई भी क्लॉक होती है, वो हर 12 आवर्स के बाद वही सेम टाइम दिखा देती है जो उसने पहले दिखाया होता है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी वॉच दोबारा टाइम ठीक कब दिखाएगी, 12 आवर्स के बाद सेम टाइम। तो यहां पर भी यही लिखा है कि यहां पर क्लॉक जो है वो लूज कितना कर रही है, 5 मिनट्स एवरी आवर्स। अगर इसे सही टाइम दिखाना है फॉर क्लॉक, फॉर क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम
अगेन इट मस्ट लूज 12 आवर्स. इसको 12 आवर लूज करने पड़ेंगे, यानी कि यहां ये लूज सिर्फ 5 मिनट्स कर रही है, लेकिन जब ये 12 आवर्स लूज करेगी एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखो हर आवर के बाद ये 5 मिनट पीछे, हर आवर के बाद 5 मिनट पीछे, तो ऐसे बार बार पीछे हो रही है. तो यानी कि हमारे को इसके अंदर जो लूज करना है टाइम वो कितना होना चाहिए, 12 आवर लूज होगा तब ये दोबारा करेक्ट टाइम दिखाएगी, दोबारा से 10 AM दिखाएगी. तो हमें देखना है कि दोबारा 10 AM कब दिखाएगी, जब ये क्या हो जाएगी, जब ये लूज करेगी. टोटल कितना लूज करना पड़ेगा, 12 आवर्स. क्योंकि 12 आवर्स लूज करने का मतलब है सेम टाइम आ जाना. और आप एक चीज देखो, यहां पर 12 आवर लूज करने हैं, इन 60 लूजेस फाइव मिनट्स. 5 मिनट्स जो लूज कर रही है उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहे हैं. यानी कि 5 मिनट लूज करने के लिए उसको 60 मिनट्स लग रहे हैं, 1 मिनट लूज करने के लिए इतना टाइम लगेगा, और 12 आवर्स लूज करने के लिए. कई बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि ये मिनट है, ये मिनट है, तो ये भी मिनट होना चाहिए. नहीं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये अलग हो सकता है, और जो ये होगा आंसर उसी में आएगा. अब ये आवर्स में आएगा, 144 आवर्स. यानी कि इस क्लॉक को 12 आवर लूज करने के लिए 144 आवर्स लगेंगे. यानी कि जैसे आगे होगी फिर पीछे हो जाएगी, आगे होगी पीछे हो जाएगी. तो 144 आवर्स जब हो जाएंगे तो ये कितना लूज कर जाएगी, 12 आवर्स. और 12 आवर्स लूज करने के बाद टाइम वापस यही आ जाएगा, 12 आवर्स लूज करने के बाद टाइम वापस यही आ जाएगा. तो यानी कि 12 आवर्स लूज करने के लिए हमें 144 आवर्स लगेंगे. और अगर मैं इसे डेज में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि बहुत बड़ा आवर्स आ गया, तो बेटा ये 6 डेज आ रहा है. यानी कि जो करेक्ट टाइम दोबारा दिखाएगी वो 6 डेज के बाद दिखाएगी. और यहां के बाद 6 डेज कब होंगे, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि सैटरडे को. यानी कि क्लॉक शोस 10 AM सैटरडे. इस तरह से होगा ये क्वेश्चन. मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा ये चीज, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जो था यहां पर 12 आवर्स का कॉन्सेप्ट था, कि कोई भी वॉच दोबारा टाइम तब दिखाती है जब उसको 12 आवर्स हो जाते हैं. तो यहां पर क्योंकि लॉस हो रहा था, तो हमने इसी लॉस की वजह से हमने क्या करा, हमने देखा अगर 12 आवर्स का लॉस हो जाएगा तो जो वॉच होगी वो सेम टाइम दिखा देगी. तो हमने देखा 12 आवर्स का लॉस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमने कैलकुलेट किया कि 12 आवर्स का लॉस होने के लिए 144 आवर्स लगेंगे. यानी कि 144 आवर्स के बाद इनमें जो गैप आएगा वो 12 आवर्स का आएगा. तो ये चीज टाइम ये आ जाएगा. आप बेटा कर लो इसे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7:20. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैथ्स के अंदर आ चुका है और आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा. इसमें एंगल्स का यूज हो रहा है, तो मैं इसको एंगल की फॉर्म में ही सॉल्व करूंगा. आप ध्यान से देखना 7:20 का मतलब क्या है. पहले मैं इसे बना लूं क्लॉक को, बहुत ध्यान समझना, इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. 7:20 का मतलब यह है कि जो मिनट हैंड है वो 4 पे होगी और जो आवर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी, 7 पे नहीं होगी, 7 से थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी. तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल बताना है. इस एंगल को बताने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम ये देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है. मान लेते हैं थीटा है, और यहां से लेकर यहां तक का एंगल हम बीटा मान लेते हैं.
तो पहले हम थीटा और बीटा निकाल लें, फिर हम एंगल बता पाएंगे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 720 पर। अब एक चीज थीटा को ध्यान से देखो कि थीटा जो है वो 12 से लेकर 4 तक है, 12 से लेकर 4 तक, यहां से यहां तक कितने मिनट्स होते हैं? 20 मिनट्स। यानी कि मिनट हैंड जो है वो कितना ट्रेवल कर चुकी है? 20 मिनट्स। अगर हम इसे 12 पे मान लें इनिशियली, तो यहां से यहां तक 20 मिनट्स होते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 20 मिनट्स में कितने का एंगल बना। एक में देखो, टाइम टेकन बाय मिनट हैंड, जो मिनट हैंड यहां से लेकर यहां तक टाइम ले रही है वो कितना ले रही है? 20 मिनट्स। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां से यहां तक 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स में एंगल कितना बनाया होगा मिनट हैंड ने। और आपको पता है मिनट हैंड जो होता है, मिक्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। जो मिनट हैंड है वो एंगल कितने का बनाती है? 6 डिग्री इन 1 मिनट। तो 20 मिनट्स में कितना एंगल बनाया होगा? तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इंटू 20, यानी कि 120 डिग्री आ रहा है ये थीटा। यानी कि थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 120 डिग्री। क्योंकि आप एक चीज देखो कि यहां से लेकर यहां तक 20 मिनट्स होते हैं, और 20 मिनट्स के अंदर जो एंगल बनाएगी मिनट हैंड, वो 20 मिनट्स के अंदर 20 इंटू 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। अच्छा, अब आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड अगर 12 पर है, 12 से लेकर यहां तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी? ध्यान देखना, टाइम टेकन बाय आवर हैंड, बहुत ध्यान से, जो आवर हैंड ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगाया होगा? 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 7 आवर 20 मिनट्स मतलब 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अगर इसको मिनट्स में चेंज कर दूं मैं, तो 440 मिनट्स आता है। यानी कि जो आवर हैंड है उसको यहां से यहां तक पहुंचने में 7 आवर्स और 20 मिनट्स लगे होंगे, यानी कि 440 मिनट्स लगे होंगे। और जो आवर हैंड है, आपको पता है आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ, मैंने आपको बताया भी था, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री इन 1 मिनट। जो आवर हैंड है वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब है बेटा बीटा कितना हो जाएगा? 144 मिनट्स में कितना एंगल बना होगा? 440 इंटू 1/2, 220 डिग्री। ये एंगल कितना बना होगा? 220 डिग्री का एंगल बना होगा। 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल है, तो 440 मिनट्स के अंदर कितना एंगल होगा? 220 डिग्री। तो क्या अब हम ये निकाल सकते हैं एंगल? यानी कि जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड वो कितना हो जाएगा? 220 माइनस 120, यानी कि 100 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। यहां से यहां तक 220 डिग्री है, यहां से यहां तक 120 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। आप यहां लिख भी सकते हो, इसको मैंने कैसे निकाला है? बीटा माइनस थीटा करके कर लो बेटे, आप इसे काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा आपको ये। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब पढ़ो इसे। अ वॉच लूजेस 3 सेकेंड्स इन 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट्स में वो 3 सेकेंड्स पीछे हो जाती है वॉच। ऐसा पहले भी कर चुके हैं दो क्वेश्चन हम। वॉच सेट राइट एट 8 AM, 8 AM पे उसको राइट सेट किया, इफ इट शोज 9 इन द इवनिंग देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम। एक्चुअली जो पिछली बार क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें डिफरेंस है।
वहां पर ये पूछा हुआ था कि वहां पर करेक्ट टाइम नहीं पूछा हुआ था हमसे, हमसे पूछा गया था ये वॉच कितना शो करेगी 9 बजे, लेकिन यहां पर लिखा है ये जो इनकरेक्ट वॉच है इसमें जब 9 PM आएंगे तो आप ये बताओ कि उस समय करेक्ट टाइम कितना हुआ होगा। तो यहां पर एक डिफरेंस है। इस क्वेश्चन का एक मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं, आपको देखना ध्यान से कि आफ्टर 2 मिनट्स, बहुत ध्यान से देखना है इसको, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद जो करेक्ट है, जो करेक्ट मूव करेगी वो 120 सेकेंड्स मूव करेगी, और जबकि इनकरेक्ट जो क्लॉक है तीन सेकेंड पीछे हो जाएगी ना इनकरेक्ट जो है। यानी कि 2 मिनट के बाद अगर हम करेक्ट टाइम देखें तो करेक्ट जो वॉच होगी या क्लॉक होगी वो 120 सेकेंड्स मूव कर जाएगी, लेकिन इनकरेक्ट जो मूव करेगी वो 117 सेकेंड मूव करेगी, क्योंकि वो 2 मिनट के अंदर 3 सेकेंड्स पीछे हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट और इनकरेक्ट का रेशो जो है, का रेशो है वो 120:117 है। बहुत ध्यान से करना, इसे हम रेशो से करेंगे कि 2 मिनट्स के बाद जो करेक्ट क्लॉक मूव करेगी वो इतना करेगी, इनकरेक्ट इतना मूव करेगी, और ये इनकरेक्ट ही है तो इनकरेक्ट इतना मूव करेगी, यानी कि करेक्ट टाइम जो होगा 120 सेकेंड्स के आसपास आएगा और इनकरेक्ट इतना। तो करेक्ट और इनकरेक्ट का रेशो ये हो गया। और अब आप देखो इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट मूव है वो दे रखा है, From 8 AM to 9 PM, ये 8 AM से 9 PM तक होते हैं 13 आवर्स, यानी कि 8 AM से 9 PM तक 13 आवर्स इनकरेक्ट मूव हो चुका है। मतलब ये इनकरेक्ट 13 आवर्स इनकरेक्ट है। और लेट कर लेते हैं लेट करेक्ट मूव्स फ्रॉम एक्स आवर्स, हम करेक्ट को मान लेते हैं वो इस ड्यूरेशन में, जो इतने ही टाइम में जो इनकरेक्ट अगर 13 आवर्स मूव कर रही है तो करेक्ट कितना मूव करेगी, एक्स आवर्स हमने ये मान लिया, तो इनका रेशियो सेम होगा, करेक्ट अपॉन इनकरेक्ट इक्वल्स टू होगा करेक्ट अपॉन इनकरेक्ट। इससे हम एक्स निकाल लेते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ये 3 से चला जाएगा, फोर्टी बाय 3 आ रहा है, और 40/3 का मतलब होता है 13 1/3 आवर्स। इसका मतलब है करेक्ट जो वॉच होगी, करेक्ट क्लॉक जो होगी वो एक्स आवर्स मूव करेगी, मतलब इतना आवर्स मूव करेगी। और अगर आप इसको मिनट्स में लेके जाते हो तो ये आता है 13 आवर्स और 1/3 × 60 मिनट्स। इसका मतलब हो गया कि करेक्ट मूव्स, करेक्ट मूव्स 13 आवर्स और 20 मिनट्स। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक कर लूँ, एक मिनट। 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स, ठीक है, करेक्ट जो मूव कर रही है वो कितना कर रही है, 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 8 बजे हुए हैं, 8 AM, तो 8 AM में जब आप प्लस करोगे 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 आवर्स में जब आप 8 AM में 13 आवर्स को ऐड करते हो तो 4 आवर्स वो हो जाएंगे, 4 9, यानी कि 9:20 PM ये करेक्ट वॉच दिखा रही होगी।
जो करेक्ट वॉच दिखा रही होगी वो टाइम कितना दिखा रही होगी, 9:20 PM, मतलब करेक्ट जो वॉच है, जो करेक्ट वॉच है वो इतना मूव करेगी, 13 hours and 20 minutes, और इस समय टाइम हुआ था शुरू में 8, यानी कि जो ये मूव कर रही है इनकरेक्ट अगर 13 आवर्स मूव कर रही है तो करेक्ट कितना मूव कर रही है, 13 hours and 20 minutes, तो टाइम जो होगा वो 9:20 हो जाएगा, 9:20 PM। तो ये बेटा रेशो से करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, रेशो एक अच्छा मेथड है इसके लिए, कर लो आप इसे।